तुगलक साहब, हम बात करेंगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार जिसे नयनार और अलवार कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर ना हमारे पास दो तरीके हैं पढ़ने के। अब जब बात करते हैं भारत के अंदर भक्ति के बारे में, तो भक्ति के दो तरीके हैं। एक हमारे भारत में उत्तर और दूसरा दक्षिण की ओर हम बात करते हैं। जब हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में जो जो धर्म का विकास हुआ, जिस जिस धर्म का विकास हुआ, वो कौन कौन से धर्म थे? तो ऊपर तो हमारे पास पहले से ही था, सनातन धर्म था। लेकिन ऊपर बाद के समय में देखा जाए तो उस समय बौद्ध और जैन धर्म का विकास हमारे पास देखने को मिलता है। लेकिन दक्षिण में जब अलवार और नयनार की बात करते हैं तो ये धर्मों के ही प्रकार थे। ये जो लोग थे दक्षिण भारत में, यह शिव और विष्णु की आराधना को बढ़ावा देते हैं। शिव और विष्णु की आराधना को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर यदि बात करते हैं दक्षिण भारत में चलाए गए भक्ति के नए प्रकार के बारे में, तो इसका जो उदय होता है वह 7th से लेकर के 9th सेंचुरी के बीच में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कुछ नए धार्मिक आंदोलन का उदय होता है और इन आंदोलन का नेतृत्व जो था वह नयनार ने और अलवारों ने किया था। जो नयनार थे वह शिव के भक्त थे और जो अलवार थे वो विष्णु के भक्त माने जाते थे। किसके भक्त? तो विष्णु के भक्त माने गए थे। विष्णु मतलब वैष्णव धर्म के और शिव मतलब शैव धर्म के मानने वाले थे। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य से समझ जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। मतलब ये हुआ कि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत के अंदर जो हिंदू धर्म का उदय हुआ, इस हिंदू धर्म के अंदर निम्न वर्ग की जाति, निम्न वर्ग के लोगों को शामिल करने का काम चालू किया गया। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। मतलब कि दक्षिण भारत में जितने भी हिंदू धर्म के लोग मानने वाले थे, इन लोगों ने बौद्ध और जैन धर्म का विरोध किया था और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताने का काम किया। किसने बताने का काम किया? तो नयनार ने और अलवार ने किया था। उन्होंने संगम साहित्य, संगम जो साहित्य था वह तमिल साहित्य का ही प्राचीनतम उदाहरण है। ये सामान्यतः यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लिखा गया था। मतलब कि जो संगम साहित्य था वो कब लिखा गया? तो वो लिखा गया BCE के टाइम में लिखा गया था। इसमें संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत हुआ करते थे। घुमक्कड़ का मतलब होता है वो घूम घूम करके अपनी विचारधाराओं को फैलाया करते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो नयनार और जो अलवार थे, ये लोग विष्णु और शिव के आराधना आराधना करने के लिए भक्ति का इस्तेमाल करते थे। भक्ति परंपरा, गीत गाना, भजन करना या फिर दोहा गाना, इनके माध्यम से ये लोग इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा दिया करते थे। अलवार और नयनार के लिए हम बात करें तो अलवार और नयनार की बात करें तो कुल मिलाकर के 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार थे, छुआछूत जनजाति के थे, कामगार थे, किसान थे, शिकारी थे, सैनिक और ब्राह्मण के साथ साथ मुखिया जैसे अनेक जनजातियों में पैदा हुए थे। मतलब ये हुआ कि जो नयनार जनजाति के लोग थे वह समाज के नीची जाति के लोग माने गए थे। नीची मतलब कि निम्न जाति के लोग थे, मैंने गलती ले दिया है, नीची होगा। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन कौन से थे? तो अप्पार, सबंदर, सुंदरार और
मणिक सागर, मणिक सागर ये ऐसे कुछ महत्वपूर्ण नयनार लोग हुआ करते थे। उनके गीत के दो संकलन थे, मतलब कि उन्होंने जो भी गीते गाई थी उनका पूरा जो इकट्ठा संग्रह था वो दो था। पहला था तेवरम था और दूसरा था तिरुबाचकम, तिरुबाचकम और तेवरम था। अलवार, हम बात करते हैं अलवार के बारे में, अभी हमने देखा नयनार के बारे में। तो अलवार संतों की संख्या 12 थी, वे भी अलग अलग प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें जो सबसे प्रमुख थे वो थे पेरियावल्लार, पेरी अलवार थे, उनकी पुत्री अंडाल और तुरंडीपोड़ी अलवार थे, नमलार वार था, और उनके गीत जो थे वह दिव्य प्रबंधन में संकलित थे। दिव्य प्रबंधन में संकलित है कि दिव्य प्रबंधन में उनके बारे में लिखा गया है। अलवारों ने जितने भी गीते लिखी थी वह दिव्य प्रबंधन में लिखा गया है। धार्मिक जीवन, संत जीवनी के लेखक, संतों के जीवनियों के लेखक के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। देखो यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो ये मणिका सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। तो यहाँ से आपका एक MCQ आता है, आ जाता है कि बताइए कि जो प्रतिमा है वो किसकी प्रतिमा है। तो यह मणिक सागर की प्रतिमा है जो कांसा की बनाई गई थी। कहता है 10th से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां के संत कवियों ने यात्रा की थी। तो संत कवियों की जगहों को धार्मिक स्थल के तौर पर प्रसिद्धि मिली। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए, क्योंकि मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ हुआ करती थी वह भक्ति परंपरा के आधार पर ही हुआ करती थी। और यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया, मतलब सभी कविताओं को, गीतों को, कहानियों को इकट्ठा किया गया। इसके अलावा अलवारों और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियों भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कि यदि हम इतिहास के बारे में जानकारी अध्ययन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम इन्हीं की जीवनियों को लेते हैं और पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात आती है भक्ति और भगवान के बारे में। मणिक सागर की एक रचना है जिसमें कहता है, मेरे हाट सांस के इस घृणित पुतले में, हाड़ का मतलब होता है हड्डी जैसे पुतले में, तुम आए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों का कैसा वर्णन किया है इसके बारे में बताया गया। मतलब यहाँ पर भक्ति और भक्त इन दोनों के संबंधों को यहाँ पर बताने का काम चालू किया गया है। तो क्लास इस टॉपिक में हमने बेसिक तौर से देखा कि जो अलवार और जो नैनार थे वो किसके मानने वाले थे, किस धर्म को बढ़ावा दिया करते थे, उनके लिए कौन कौन से मंदिर की स्थापना की गई, इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या कितनी थी, ये लोग की जाति से आया करते थे, इनके लिए कौन कौन से वहाँ के राजाओं ने काम किए, ऐसे कुछ टॉपिक के बारे में हमने इसमें बात किया। ये कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास तब तक के लिए धन्यवाद।